झांसी के मऊरानीपुर में बाबा साहेब अंबेडकर परिनिर्माण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कई बीएसपी कार्यकर्ता दिखे सपाइयों के साथ। समाजवादी पार्टी से तिलक की दावेदारी से पार्टियों की प्रत्याशियों की नींद गायब हो गई, तो वहीं तिलक की दावेदारी के चलते सपा बसपा नेता एक साथ नजर आए। जानकारी के मुताबिक अम्बेडकर तिराहे पर स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर परिनिर्माण दिवस पर बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर बसपा कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर भीमराव अंबेडकर के नारे लगाए। इसी तरह समाजवादी पार्टी के तिलक चंद अहिरवार ने अपने समर्थकों के साथ प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहब को दलितों पिछड़ों को उनका हक दिलाने वाला मसीहा बताया। आज परिनिर्माण दिवस है और आज आप लोगों ने क्या कार्यक्रम किया है? देखिए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी 6 दिसंबर 1956 में खत्म हुए। अपने जीवन के लगभग 65 साल वो हम लोगों के बीच में रहे। इन 65 सालों में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस देश के दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ जो अपर कास्ट में गरीब लोग हैं उनके हितों में काम किया, और विशेषकर उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग पर ज़्यादा काम किया। अगर हम उनकी पूरी यात्रा की चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा, लेकिन 1916 से 1956 तक पिछले 40 वर्षों में जो उन्होंने काम किया, तो सबसे पहले उन्होंने 1918 में जो साउथ बरो कमेटी आई थी तो उनके सामने दलितों के प्रतिनिधित्व की बात की, जिसकी वजह से 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट बना जिसमें हमारी स्थिति पर चर्चा हुई। उसी के वजह से 1928 में साइमन कमीशन आया जिसने रिपोर्ट तैयार की, उस वजह से 1932 में रिजर्वेशन मिला, और उसके बाद 1932 में रिजर्वेशन मिलने का 1935 में सेकंड इंडिया एक्ट बना जिसमें हमें नौकरी के अधिकार मिले। उस वजह से आज अनुसूचित जाति जनजाति के 35 लाख लोग इस देश में 2 करोड़ सरकारी नौकरियों में, आज वर्तमान में 35 लाख लोग कर्मचारी हैं, और पिछड़ी जाति के साथ धोखा हुआ लेकिन फिर भी वो 8 लाख कर्मचारी के रूप में दिखाई देते हैं। 1935 के सेकंड इंडिया एक्ट के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई जो 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ। उस बैठक में संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया, जिसके संरक्षण में यहाँ पर रह रहे हम लोग रह रहे हैं। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित पिछड़े अल्पसंख्यक और अपर कास्ट के गरीबों के साथ साथ इस देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। जो इतना महान संविधान जो 395 अनुच्छेद जो उस समय 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद का संविधान था वो हमें देकर गए, तो इतने महान काम उन्होंने किए, इसलिए आज उनको हम याद करने के लिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं। आप मऊरानीपुर से समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं जी, और आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या मुद्दे हैं और आपको क्या लगता है कि मऊरानीपुर में अभी कितने विकास कार्य होने बाकी हैं और किस तरीके से जो सरकार पिछड़ी रही है कितना काम किया है? देखिए, जो बेसिक चीज़ें हैं, मेरा मानना यह है कि अभी भी बेसिक चीज़ों पर भी काम बाकी है। जैसे जो बेसिक चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान की, स्कूल अस्पताल की, नाली खड़ंजे की, बिजली पानी की और स्वास्थ्य सुरक्षा की, इन सब पे काम होना है। और विशेषकर मऊरानीपुर में कहीं कहीं पानी की बहुत दिक्कत है, तो हम उस पर विशेष रूप से काम करें जिससे मऊरानीपुर में पानी की कोई दिक्कत ना हो, लोगों को सिंचाई के साधन मिलें और लोगों की सिंचाई हो। वैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पिछले जो सरकार थी उनकी, तो उन्होंने जो इरछ बहुउद्देशीय परियोजना लागू की थी जो लगभग 80% जिसका काम हो गया था, लेकिन पिछले 5 सालों में द्वेष भावना के तहत जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने 20% काम नहीं किया। अगर वो काम कर देती तो वो 2 प्रकार की योजना थी, एक तो पीने के पानी की और खेती की, उससे पूरे गरोठा विधानसभा को लाभ होता, लेकिन मऊरानीपुर के कुछ गाँव